आई 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में गजब का रोमांच देखने को मिला जी हां आपको बता दें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम मात्र 126 रन का बेहद ही छोटा स्कोर बनाने के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 12 रन से हरा दिया है इस अविश्वसनीय जीत के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के प्ले में जाने की उम्मीदें बरकरार है वही दूसरी तरफ अब तक खेले कुल ग्यारह मैचों में सातवीं हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के प्ले में जाने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। आपको बता दें कि टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की शुरुआत कुछ खास नहीं रही दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल से किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को तूफानी पारी की उम्मीद थी लेकिन इस मैच में क्रिस गेल का बल्ला खामोश रहा हालांकि लोकेश राहुल और मनदीप सिंह ने पहले विकेट के लिए सैतीस रनों की साझेदारी की लेकिन इसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए कुल अठासी रन के स्कोर तक पांच दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट गंवाने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब की बल्लेबाजी दबाव में आ गई गनीमत यह रही कि आखिरी में निकोलस फूरन ने 32 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर कुल स्कोर 126 रन तक पहुंचा दिया दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में डेविड वार्नर जॉनी बेस्टो मनीष पांडे और विजय शंकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज होने के बाद शायद ही किसी ने कल्पना की हो की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक रन का छोटा लक्ष्य होने के बावजूद जीत ऐसी चूक जाएगी जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर और जानी बेस्टो ने पहले विकेट के लिए छप्पन रनों की साझेदारी की लेकिन इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य क्रम बल्लेबाजों ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और क्रिस जार्डन के सामने घुटने टेक दिए हालांकि एक समय किंग्स इलेवन पंजाब की टीम हार के कगार पर खड़ी थी लेकिन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और क्रिस जार्डन ने बाजी पलट दिया पारी के आखिरी बारह गेंद पर जीत के लिए सत्रह रन की जरूरत थी इसके बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत से चूक गई इस शानदार जीत के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के टीम की मालकिन प्रीति जिंटा भी काफी खुश दिखें